1993 में सैफ अली खान की पहली मूवी आई आशिक आवारा। इस मूवी का बजट 1,70,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 2,20,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3,10,00,000 रुपए कमाए और भाई साहब मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी दूसरी मूवी आई परंपरा। इस मूवी का बजट 3,50,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 1,50,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2,90,00,000 रुपए कमाए और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल सैफ अली खान की मूवी आई पहचान। दोस्तों इस मूवी का बजट 1,85,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 2,70,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3,80,00,000 रुपए कमाए और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। 1994 में सैफ अली खान की चौथी मूवी आई आओ प्यार करें। दोस्तों इस मूवी का बजट 1,50,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 1,43,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2,43,00,000 रुपए कमाए और भाई साहब मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई यार गद्दार। इस मूवी का बजट 2,00,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 3,00,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4,00,00,000 रुपए कमाए और भाई साहब ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसी साल सैफ अली खान की मूवी आई मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। इस मूवी का बजट 3,25,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 7,88,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 11,32,00,000 रुपए कमाए और भाई साहब ये मूवी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई ये दिल लगी। दोस्तों इस मूवी का बजट 2,00,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 5,72,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने करीबन 8,38,00,000 रुपए कमाए और भाई साहब सैफ अली खान की ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई इम्तिहान। इस मूवी का बजट 1,90,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 3,00,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4,50,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब मूवी एवरेज रही। 1995 में सैफ अली खान की मूवी आई सुरक्षा। दोस्तों इस मूवी का बजट 2,50,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 3,82,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5,41,00,000 रुपए कमाए और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। 1996 में सैफ अली खान की मूवी आई दिल तेरा दीवाना। दोस्तों इस मूवी का बजट था 3,00,00,000 रुपए। इंडिया में इसकी कमाई 3,60,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5,00,00,000 रुपए कमाए और भाई साहब मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई एक था राजा। इस मूवी का बजट 3,50,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 2,66,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3,76,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद सैफ अली खान की मूवी आई तू चोर मैं सिपाही। दोस्तों इस मूवी का बजट 4,25,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 6,20,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8,90,00,000 रुपए कमाए और भाई साहब ये मूवी सेमी हिट रही। इसके बाद सैफ अली खान की मूवी आई बम्बई का बाबू। दोस्तों इस मूवी का बजट 2,25,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 1,80,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2,60,00,000 का कलेक्शन किया और ये मूवी डिजास्टर रही। 1997 में सैफ अली खान की मूवी आई उड़ान। दोस्तों इस मूवी का बजट 2,50,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 1,38,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2,40,00,000 रुपए कमाए और भाई साहब मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई हमेशा। दोस्तों इस मूवी का बजट 4,00,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 1,62,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2,99,00,000 रुपए कमाए और भाई साहब सैफ अली खान की ये मूवी भी डिजास्टर रही। 1998 में इनकी मूवी आई हमसे बढ़कर कौन। दोस्तों इस मूवी का बजट 2,25,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 2,30,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3,30,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद सैफ अली खान की मूवी आई कीमत। दोस्तों इस मूवी का बजट 5,75,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 5,18,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 9,19,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी भी फ्लॉप रही। 1999 में सैफ अली खान की मूवी आई यह है मुंबई मेरी जान। दोस्तों इस मूवी के बजट के बारे में नहीं पता चल पाया लेकिन ये मूवी फ्लॉप रही थी। इसी साल इनकी मूवी आई हम साथ साथ हैं। दोस्तों इस मूवी का बजट 17,00,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 39,18,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 69,58,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल सैफ अली खान की मूवी आई आरजू। दोस्तों इस मूवी का बजट 8,00,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 5,06,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 10,00,00,000 रुपए कमाए और भाई साहब ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई कच्चे धागे। दोस्तों इस मूवी का बजट 10,00,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 16,19,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 23,65,00,000 रुपए कमाए और भाई साहब मूवी हिट रही। 2000 में सैफ अली खान की मूवी आई क्या कहना। दोस्तों इस मूवी का
बजट 4 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 12 करोड़ 17 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 18 करोड़ रुपए कमाए और भाई साहब मूवी सुपरहिट रही। 2001 में सैफ अली खान की मूवी आई रहना है तेरे दिल में। इस मूवी का बजट 6 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 5 करोड़ 52 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8 करोड़ 61 लाख का कलेक्शन किया और भाई साहब मूवी फ्लॉप रही। इसी साल सैफ अली खान की मूवी आई दिल चाहता है। दोस्तों इस मूवी का बजट 14 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 20 करोड़ की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 34 करोड़ 28 लाख का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई लव के लिए कुछ भी करेगा। दोस्तों इस मूवी का बजट 5 करोड़ 75 लाख रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 5 करोड़ 57 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8 करोड़ 83 लाख का कलेक्शन किया और ये मूवी फ्लॉप रही। 2002 में सैफ अली खान की मूवी आई ना तुम जानो ना हम। इस मूवी का बजट 14 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 8 करोड़ 14 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 17 करोड़ 24 लाख का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। 2003 में इनकी मूवी आई एलओसी कारगिल। दोस्तों इस मूवी का बजट 33 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 17 करोड़ 64 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 29 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई कल हो ना हो। इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 38 करोड़ 55 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 81 करोड़ 95 लाख का कलेक्शन किया और भाई साहब मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई डरना मना है। इस मूवी का बजट 4 करोड़ 50 लाख रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 5 करोड़ 15 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8 करोड़ 31 लाख का कलेक्शन किया और भाई साहब मूवी फ्लॉप रही। 2004 में सैफ अली खान की मूवी आई हम तुम। इस मूवी का बजट 8 करोड़ 50 लाख रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 21 करोड़ 64 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 41 करोड़ का कलेक्शन किया और भाई साहब मूवी हिट रही। इसी साल सैफ अली खान की मूवी आई एक हसीना थी। इस मूवी का बजट 4 करोड़ 25 लाख रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 4 करोड़ 64 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 6 करोड़ 88 लाख का कलेक्शन किया और भाई साहब मूवी फ्लॉप रही। 2005 में सैफ अली खान की मूवी आई बीम साइज। इस मूवी का बजट 4 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 3 करोड़ 91 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 6 करोड़ 44 लाख का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसी साल सैफ अली खान की मूवी आई सलाम नमस्ते। इस मूवी का बजट 11 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 26 करोड़ की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 56 करोड़ का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी सुपरहिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई परनीता। इस मूवी का बजट 15 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 16 करोड़ 80 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 31 करोड़ 86 लाख का कलेक्शन किया और भाई साहब मूवी एवरेज रही। 2006 में सैफ अली खान की मूवी आई ओमकारा। दोस्तों इस मूवी का बजट 26 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 23 करोड़ 22 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 41 करोड़ 82 लाख का कलेक्शन किया और भाई साहब मूवी फ्लॉप रही। 2007 में सैफ अली खान की मूवी आई तारा रमपम। इस मूवी का बजट 30 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 38 करोड़ 45 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 69 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी सेमी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई नहले पर दहला। इस मूवी का बजट 7 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 3 करोड़ 29 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 6 करोड़ 33 लाख का कलेक्शन किया और भाई साहब मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई एकलव्य। इस मूवी का बजट 30 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 18 करोड़ 88 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 38 करोड़ 85 लाख का कलेक्शन किया और भाई साहब मूवी फ्लॉप रही। 2008 में सैफ अली खान की मूवी आई थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक। इस मूवी का बजट 23 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 21 करोड़ 66 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 38 करोड़ 90 लाख का कलेक्शन किया और भाई साहब मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई टसन। इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 29 करोड़ 35 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 51 करोड़ 27 लाख का कलेक्शन किया और भाई साहब मूवी एवरेज रही। इसी साल सैफ अली खान की मूवी आई रेस। इस मूवी का बजट 46 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 60 करोड़ 83 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 103 करोड़ 68 लाख का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी हिट रही। 2009 में इनकी मूवी आई कुर्बान। दोस्तों इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 27 करोड़ की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 46 करोड़ 42 लाख का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल सैफ अली खान की मूवी आई लव आजकल। इस मूवी का बजट 56 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 66 करोड़ 56 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 116 करोड़ का कलेक्शन किया और भाई साहब मूवी हिट
हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई सनम तेरी कसम। इस मूवी का बजट 2,50,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 4 करोड़ की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 7 करोड़ रुपए कमाए और भाई साहब मूवी एवरेज रही। 2011 में इनकी मूवी आई आरक्षण। इस मूवी का बजट 53 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 40 करोड़ की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 64,50,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब मूवी फ्लॉप रही। 2012 में इनकी मूवी आई क्रॉकटेल। इस मूवी का बजट 53 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 71 करोड़ की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 122,99,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई एजेंट विनोद। दोस्तों इस मूवी का बजट 60 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 43,29,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 74,57,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब मूवी फ्लॉप रही। 2013 में इनकी मूवी आई बुलेट राजा। दोस्तों इस मूवी का बजट 52 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 33 करोड़ की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 54 करोड़ का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद सैफ अली खान की मूवी आई गो गोवा गन। इस मूवी का बजट 19 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 25,16,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 37,82,00,000 रुपए कमाए और भाई साहब मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई रेस 2। इस मूवी का बजट 94 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 100,45,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 173,36,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब मूवी सेमी हिट रही। 2014 में इनकी मूवी आई हैप्पी एंडिंग। इस मूवी का बजट 57 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 19,44,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 35,61,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई हमशक्ल। इस मूवी का बजट 64 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 63,72,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 105,28,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब मूवी फ्लॉप रही। 2015 में सैफ अली खान की मूवी आई पैटम। इस मूवी का बजट 72 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 54,19,00,000 की हुई, पूरी दुनिया में इस मूवी ने 81,62,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब मूवी फ्लॉप रही। 2017 में सैफ अली खान की मूवी आई शेफ। इस मूवी का बजट 31 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 6,37,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 10,15,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई रंगू। इस मूवी का बजट 61 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 20,68,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 39,80,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब मूवी डिजास्टर रही। 2018 में सैफ अली खान की मूवी आई बाजार। दोस्तों इस मूवी का बजट 34 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 24,87,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 34,92,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप हो गई। इसी साल इनकी मूवी आई कलाकंदी। इस मूवी का बजट 18 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 6,34,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 7,15,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब सैफ अली खान की यह मूवी भी डिजास्टर रही। 2019 में इनकी मूवी आई लाल कप्तान। दोस्तों इस मूवी का बजट 41 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसने 2,68,00,000 का कलेक्शन किया और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3,61,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब सैफ अली खान की यह मूवी बहुत बुरी तरीके से पिट गई और मूवी डिजास्टर रही। 2020 में सैफ अली खान की मूवी आई तानाजी। दोस्तों इस मूवी का बजट 125 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 279,55,00,000 रुपए थी और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 367,65,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई जवानी जाने मन। दोस्तों इस मूवी का बजट 40 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 28,98,00,000 रुपए हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 44,51,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब मूवी फ्लॉप रही। 2021 में इनकी मूवी आई बूट पॉलिश। दोस्तों इस मूवी के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता चल पाया है क्योंकि ये मूवी OTT में रिलीज हुई थी। इसी साल इनकी मूवी आई बंटी और बबली 2। इस मूवी का बजट 30 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 12,50,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 22,12,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब मूवी डिजास्टर रही। 2022 में सैफ अली खान की मूवी आई विक्रम वेधा। दोस्तों इस मूवी का बजट 100 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 78,66,00,000 की हुई और इस मूवी ने पूरी दुनिया में कितना कमाया अभी तक इस बारे में बिल्कुल नहीं पता चल पाया है, लेकिन दोस्तों ये मूवी एवरेज रही है। तो दोस्तों ये था सैफ अली खान का फिल्मी सफर। आपने इनकी कौन सी फिल्में देखी है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।